हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेरिंग टेक पे। दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, तो मैं बताता हूँ सबसे पहले वो अपडेट है क्या, और बहुत ही अच्छा अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता होगा, कोरोना वायरस का इतना आतंक मचा है, हाल ही में लगभग 21 दिन का लॉकडाउन भी किया गया है, तो इसके लिए इसको देखते हुए अभी जो भी जितने भी प्रॉब्लम आ रही है, ईपीएफओ की तरफ से एक नया अपडेट ये जारी किया है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका जो पीएफ अमाउंट कटता है और जितने भी कंपनी जमा करते हैं, तो लगभग 3 महीने यानी पूरे 3 महीने तक अब आपका अपना पीएफ या आपकी कंपनी को जमा करने की पीएफ अकाउंट में कोई ज़रूरत नहीं है। ईपीएफओ की तरफ से अपडेट आया है कि वो खुद जो एम्प्लॉयर शेयर है और एम्प्लॉय शेयर है, दोनों खुद 3 महीने तक वो ईपीएफओ खुद जमा करेगी आपके अकाउंट में। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, ये उसी के लिए अवेलेबल है जैसे कि अगर आपके कंपनी में जो है 100 वर्कर यानी 100 वर्कर से कम हो। तो अगर आपके कंपनी में 100 वर्कर यानी 100 से अधिक वर्कर है, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इसके लिए 100 वर्कर से कम आपके कंपनी में काम करना चाहिए, और उसमें से 100 में से लगभग 90% का जो सैलरी है 15,000 के नीचे होना चाहिए, और 10% का उससे आगे हो सकता है, तभी ये आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये अपडेट बहुत ही अच्छा है। अगर आपके कंपनी में अगर 100 वर्कर से कम है और उसमें से 15 ज़्यादातर के सैलरी 15,000 के अंदर ही है, तो आपको अपना पीएफ जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न ही आपकी कंपनी का, जो कि ईपीएफओ द्वारा कल ही अपडेट दिया गया है। तो एक और न्यू अपडेट आया ईपीएफओ की तरफ से, वो है ये, जैसे कि आप पहले पीएफ एडवांस निकालते थे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई रीजन देना होता था, जबकि इस लॉकडाउन को देखते हुए ईपीएफओ ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिसमें आपको 75% यानी एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयड शेयर में दोनों में का 75% आप कभी भी निकाल सकते हैं विदाउट रीजन के, और वो भी बहुत आसानी से निकल सकता है। तो ये न्यू अपडेट जारी की है कल ही, हाल ही में जारी हुआ है। लेकिन एक बात और फिर से सुन लीजिए, ये आपके लिए तभी यूजफुल है अगर आपके कंपनी में 100 यानी 100 वर्कर से कम हो, और मैक्सिमम 100 हो, और जैसे कि उसमें से 90% का सैलरी जो है आपका 15,000 के नीचे होनी चाहिए, तब आपको अपना पीएफ या आपके कंपनी को जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईपीएफओ 3 महीने तक मतलब 90 दिन तक आपकी सैलरी वो आपका जमा करेगा। तो दोस्तों, कैसे लगा आज का वीडियो? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।